तो आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरडी 3.0 के एक इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर के आए हैं जो म्यूजिक टीचर से रिलेटेड है। 9th, 10th और प्लस 2 विद्यालय में म्यूजिक टीचर के लिए बीपीएससी टीआरडी में जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम म्यूजिक टीचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन को देख रहे हैं, संगीत शिक्षक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह वीडियो एक सैंपल है। अगर आप संगीत विषय का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरडी का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है? बात करें हम संगीत के घराने की तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना माना जाता है, जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, हिंदुस्तानी संगीत के कई घराने हैं, कई घरानों ने संगीत का लालन पालन किया है, इसे देश दुनिया में प्रसिद्ध किया है, जिसमें किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना इंक्लूड है, लेकिन लखनऊ घराने का संबंध हिंदुस्तानी संगीत घराना से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 3, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो ग्वालियर का घराना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंध रखते थे? गुलाम अली का संबंध पटियाला घराना से था। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। बनारस घराना की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी गायक हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की संगीत का जो ध्रुपद शैली है इसके आरंभकर्ता स्वामी हरिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन है? हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। ख्याल गायन शैली हिंदुस्तानी संगीत की लोकप्रिय गायन शैली है। अगला क्वेश्चन है 9, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल गायकी का जन्मदाता ग्वालियर घराना है। सभी संगीत घरानों में सबसे प्रसिद्ध ग्वालियर घराना है और यह ख्याल गायकी का जन्मदाता है। रितु वर्मा का संबंध किससे है? रितु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। सही जवाब है ऑप्शन बी। रितु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर हो, मलिका पुखराज हो, पीनाज मसानी हो, ये सब गजल गायकी हैं। इन्होंने गजल लिखा है। गजल उर्दू की एक प्रसिद्ध रचना होती है, लेकिन हीरा भाई बरोड़कर इसका संबंध गजल गायकी से नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध शास्त्रीय गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी का संबंध गजल गायकी से है। सही जवाब है ऑप्शन बी। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है? बेगम अख्तर का संबंध जो है संगीत से है। इन्होंने गजल लिखा करते थे, संगीत से बेगम अख्तर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 15, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे, जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ये सभी के सभी संगीतक थे। संगीत की अलग अलग शैली होती है। इनकी जो संगीत शैली थी वह ध्रुपद थी। ये ध्रुपद संगीत शैली से संबंध रखते थे और संपूर्ण उत्तर भारत में ये काफी प्रचलित थे। 16, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का कौन हिस्सा नहीं है? तिल्लाना। तिल्लाना का हिंदुस्तानी संगीत से कोई संबंध नहीं है।
ध्रुपद हो गया, तराना हो गया, धमार हो गया, ये सब हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में किस प्रकार के गायन का गौरव प्राप्त होता है? एक भारतीय गायक है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर गाया, वो है MS सुब्बालक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कौन कर्नाटक संगीत के पिता कहलाते हैं? पुरंदर दास का संबंध जो है कर्नाटक संगीत से है, यही कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज किस कला से संबंध रखते हैं? त्यागराज का संबंध कर्नाटक संगीत से है, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? हम बात करें वेद की तो साम वेद में संगीत का वर्णन है और शास्त्रीय संगीत यही से लिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजल के जो जनक हैं वो अमीर खुसरू हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज का जो संबंध है वह शास्त्रीय गायन से है, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? कर्नाटक संगीत के जनक संत पुरंदर दास हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में दो सूची दिया हुआ है, सूची एक और सूची दो, इसे आप मिलान करेंगे। शास्त्रीय संगीत की हम बात करें तो इसका संबंध जो है ओंकारनाथ ठाकुर से, बड़े गुलाम अली खां से, जहीरुद्दीन डागर से है, ये सब शास्त्रीय संगीतक थे। हम बात करते हैं सुगम संगीत की तो इसका संबंध लता मंगेशकर से, हेमंत कुमार से, मोहम्मद रफी से है। हम बात करते हैं लोक संगीत की तो इसका संबंध किजन बाई से, शारदा सिन्हा से है। हम बात करते हैं कर्नाटक संगीत की तो इसका संबंध पुरंदर दास से है, श्यामा शास्त्री से है। कहने का मतलब ये है ऑप्शन ए सही मिलान होगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जिसमें दो सूचियों को आपस में मिलान करना है। हिंदुस्तानी संगीत का संबंध जो है हीराबाई बडोरकर से है, वहीं शास्त्रीय गायन का जो संबंध है MS सुब्बालक्ष्मी से है। पंडवानी शैली का जो संबंध है ऋतु वर्मा से है। गजल गायिके का जो संबंध है मल्लिकार्जुन पुखरा से है। 26 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक से है। कंठे महाराज का जो संबंध है वह तबला से है। भीमसेन जोशी जो थे वह गायन से संबंध रखते थे, वही अमजद अली खां सरोद वादक थे। 27 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अमृता शेरगिल का जो संबंध है वह चित्रकला से है, वही विष्णु दास सिराली का संबंध संगीत से है। बेगम अख्तर का जो संबंध है ठुमरी गायिका से है। अंत में पन्ना लाल देख रहे होंगे, ये बांसुरी वादक थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, काफी इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, माइकल जॉक्सन इसका संबंध किससे था? माइकल जॉक्सन जो थे यह पॉप संगीत से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव या राग भैरवी यह कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी जो होता है सुबह सवेरे प्रातः काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, राग देश किस पर हर गाया जाता है, यानी राग देश कब गाया जाता है? यानी राग जो गाते हैं वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाते हैं, यानी रात थोड़ी बीत जाती है तो इसे आधी रात को गाया जाता है।